सावन में आई है सेव चढ़। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम कुछ इस तरह का ट्रेंडिंग स्टेटस सीखने वाले हैं और साथ में आपको देने वाले हैं दो गानों का 4K फुल HD फोटो, जो कि साथ में गाना रिलीज हुआ है पावर स्टार एंड ट्रेंडिंग स्टार के सजादो जी एंड पवन सिंह जी का। तो पवन सिंह जी का जो गाना है बेलपतैया के चटैया, जो कि आज सुबह 6 बजे ग्लोबल म्यूजिक चैनल से रिलीज हो चुका है। एंड खे सजादो जी का जो गाना है देवर जी ले चलिए, वेब म्यूजिक कंपनी से रिलीज हो चुका है, जो कि दोनों का गाना बहुत ही धमाकेदार है। एंड इन दोनों का साथ में गाना रिलीज होना एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड बनाता है। तो आपको इन दोनों गाने का 4K फुल HD फोटो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड जो मैं स्टेटस का ट्यूटोरियल आपको देने वाला हूँ, उसका आपको भी मटेरियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। और हाँ, जो जी फाइल है, जी फाइल पर है पासवर्ड, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, आपको पासवर्ड कहीं भी मिल जाएगा। चलिए ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, इस तरह का ट्रेंडिंग स्टेटस सीखने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है, जिसका नाम है एलाइट मोशन। तो एलाइट मोशन के हम होम स्क्रीन पर आ चुके हैं। एंड चलिए आपको बताते हैं कि कैसे बनाना है। आपको प्लस पे आइकॉन पे क्लिक करना है एंड 4.5 रेशियो सिलेक्ट करना है, रेजुलेशन 1080 रख देना है, फ्रेम रेट 60 FPS रख देना है, बैकग्राउंड ब्लैक करना है एंड क्रिएट एंड प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। जिस फोटो पे आपको बनाना है उस पर आपको क्लिक करना है एंड इमेज एंड वीडियो पे क्लिक करना है, व्यू ऑल पे क्लिक करना है एंड आपको जो फोटो आपको अच्छा लगता है उस फोटो को आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैं भी ये फोटो रखता हूँ पवन सिंह जी का, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। जूम करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ से जूम हो जाएगा। तो जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा, उसी तरह का मैं स्टेटस आपको सिखाने वाला हूँ। तो उसके बाद मैं सिलेक्ट करता हूँ आपको एक वीडियो, जो वीडियो हम इसमें लगाने वाले हैं, तो वो वीडियो मैंने डाउनलोड किया है, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि जहाँ से भी आपको सॉन्ग अच्छा लगता है आप वहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी बता रहा हूँ, एक सेकेंड, जैसे कि मुझे यहीं से अच्छा लगता है, ठीक है, तो मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे आपको लास्ट में आके जूम कर देना है। तो लास्ट में आने के बाद आपको यहाँ पे इसे सिलेक्ट करना है, आपको जहाँ पे इसको रखना है आप यहाँ पे थोड़ा छोटा कर सकते हैं इसको, मान लीजिए इतना छोटा रखना है तो इतना छोटा कर सकते हैं। बैक, फिर बैक कर लीजिए, यहाँ पे बैक का बटन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप इसको करने के बाद आपको एक मटेरियल की ज़रूरत पड़ने वाली है। आपको अगर 30 सेकंड का वीडियो बनाना है तो आप 30 सेकंड तक यहाँ तक सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मान लीजिए 10 सेकंड का सेलेक्ट कर लेता हूँ। 10 सेकंड का सेलेक्ट करने के बाद आपको उस मटेरियल को ले लेना है, जो मैं आपको डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से ले सकते हैं ईजिली। तो मैं इसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लैक ब्लैक दिखेगा, इसे रिमूव करने के लिए आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद इफेक्ट पे जाना है, इफेक्ट पे जाने के बाद ऐड इफेक्ट पे जाना है, ऐड इफेक्ट पे जाने के बाद आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्मेशन में जाना है, सॉरी मेटल मास्क की में जाना है। उसके बाद क्रोमा की पे क्लिक करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद हरा कलर का जो ग्रीन का दिख रहा है इस पर क्लिक करने के बाद आपको ब्लैक क्रोमा की सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको बैक कर देना है। बैक करने के बाद आपको जितना बड़ा रखना है उतना बड़ा आप रख सकते हैं। उसके बाद आपको जितना इसका साइज है आप वहाँ तक भी कर सकते हैं। मैं ले लेता हूँ 10 सेकंड तक। तो 10 सेकंड का लेने के बाद यहाँ से मैं कट कर देता हूँ। एंड इसमें आपको करना है, ठीक है, आपको एक काम एकदम बहुत ही ध्यान से करना है। जैसे कि ऊपर वाला जो वीडियो है वाइट वाला, जो ब्रश वाला, इस पर क्लिक करना है, इस पर टच करना है, साथ में फ़ोटो को टच करना है। उसके बाद ऊपर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद इन दोनों को मर्ज कर देना है। तो आप ये देख सकते हैं, अभी तो थोड़ा बहुत कमी है, मैं इसमें आपको एडिटिंग और कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऐड इफेक्ट पे जाने के बाद इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ऑसम लगेगा। स्टैंडर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो ये बी वाला ऑप्शन दिख रहा है इसे जी कर देना है। आप देख सकते हैं बहुत ही ऑसम लग रहा है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप फोटो को भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप इसे कट कर लीजिए, आप जहाँ तक आपको अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से करने के बाद आप देख, साथ में आपको एक डॉट फ्रेम दे दूंगा, उसे भी आप
यहाँ पे लगा दीजिए। इसे लगाने के बाद बहुत ही औसम लगने लगेगा ये आपका। इसको क्लिक, ये फ्रेम डॉट फाइल ओपन करने के बाद ब्लेंडिंग इस ऑपेसिटी पे क्लिक करना है। यहाँ से आने के बाद लाइट पे, लाइटन पे क्लिक करना है, फिर स्क्रीन पे क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं आप कुछ इस तरह का दिख जाएगा। फिर यहाँ पे लास्ट में जाने के बाद इसे आपको फ्रेम कुछ सेकंड सेलेक्ट करना है एंड यहाँ से लास्ट तक कर देना है। तो लास्ट तक करने के बाद फिर से प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद एक मटेरियल मैं दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि बहुत ही औसम एंड जो लाइटिंग देती है बहुत ही प्यारा लगता है। तो आप इसका आप ले सकते हैं, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि बहुत ही औसम लगता है। मैं इसको जूम कर देता हूँ। इसको भी जूम करने के बाद इसका भी सेम प्रोसेस है। यहाँ से बैक कर लीजिए एंड ब्लेंडिंग ऑपेसिटी पे जाने के बाद लाइट पे क्लिक करना है एंड स्क्रीन पे जाने के बाद आप इसे देख सकते हैं। यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं सेट करने के बाद। लाइटिंग तो भाई साहब कत्ते जहर लग रहा है। वीडियो रेडी हो जाने ऊपर यहाँ पे जो आइकॉन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको वीडियोस को एक्सपोर्ट कर देना है 1080p पे। एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से आप सेव कर देंगे, आपका गैलरी में सेव हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो आप एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड मिलते हैं एक और प्यारे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।